बात की, उनके जो जिम्मेदार सूचना विभाग के डायरेक्टर्स वगैरह थे उनसे बात की, और ये करने के बाद में एक मुकम्मल आधिकारिक लिस्ट हमें जो है मिली, जिसमें मुंबई प्रेस क्लब, चंडीगढ़ प्रेस क्लब, लखनऊ प्रेस क्लब, जहाँ ये ऐसी संस्थाएं थी उन्होंने किया, IWFJ उन्होंने किया, और तमाम हर राज्य में अलग अलग संस्थाएं हैं, उन सब ने इसमें मदद की, और ये निकल के एक लिस्ट आई। तकरीबन इसमें 450 से ज़्यादा पत्रकार हैं जो COVID-19 के दौरान गए हैं, और खास बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा संख्या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के लोगों की है। तो ये लिस्ट है हमारे पास आधिकारिक, ये इस टाइप का एक जो है हम मेमोरियल बनवाएंगे, ये दो पार्ट में इस तरह से होगा। तो एक इसका पिलर ये इस तरफ होगा, एक पिलर इस तरफ होगा। तो जो दो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, हालांकि हर आदमी महत्वपूर्ण है, जितने भी ये जर्नलिस्ट हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो अपनी जगह, अपनी जान की कीमत सबकी बराबर होती है, लेकिन हमने एक पिलर का नाम शेष नारायण पिलर और दूसरे का नाम रोहित सरदाना पिलर रखने का जो है बहुत फैसला अच्छा लिया सोचा। है, क्योंकि दोनों एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक प्रिंट मीडिया के दोनों बहुत शीर्ष आदमी थे, और दोनों के जाने पर सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और एक ये इत्तफाक भी है कि दोनों लोग हमारे यहाँ नोएडा से भी ताल्लुक रखते थे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नोएडा जो है देश का सबसे बड़ा मीडिया हब है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो लोग आते हैं पहले अपने राज्यों में, अपने जिलों में बहुत लंबे काम करने के बाद यहाँ तक आदमी पहुँचता है। तो शेष नारायण जी का तो तकरीबन 30-40 साल का कार्यकाल रहा होगा, रोहित सरदाना का भी कम से कम 2 दशक का कार्यकाल था। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, और यही हम चाहेंगे कि आप सभी लोग, सभी साथी हमारे, जितने भी हमारी संस्था के हैं, संस्था से इतर जो हमारी जनरल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं, वो आए, शहर के सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग आए, आम आदमी भी आए, क्योंकि इसका मकसद यही है कि हम क्या कर रहे हैं और हम लोगों ने कितनी शहादतें दी हैं। सेना में भी लोग मरते हैं, उनकी शहादत होती है, वो हमें इस देश के अंदर दुश्मन को घुसने से रोकते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट का काम भी जो है किसी से कमतर नहीं होता। हम भी समाज में लगातार सफाई का काम करते हैं, और आप लोग देखते रहते हैं कि तमाम माफिया, तमाम तरह की वारदातें पत्रकारों के साथ होती हैं, और वो हताहत हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो खतरे जो हैं पत्रकारिता में भी कमतर नहीं है सेना और पुलिस से। तो इसलिए रिकॉग्निशन जर्नलिज्म को भी मिलना चाहिए, जर्नलिस्ट को भी मिलना चाहिए, और मेरा हमेशा से मानना यही रहा है कि सबसे पहली शुरुआत हमें अपने स्तर से करनी चाहिए। हम सरकारों से कुछ मांगने की बजाय पहले खुद को, खुद तो रिकॉग्नाइज करें, अपने लोगों को खुद तो रिकॉग्नाइज करेंगे, तभी तो दूसरे लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। यदि हम ही पत्रकार